नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मैं फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोगों की किसी भी तरीके से मदद की जाए, ताकि कि छोटी से छोटी कानूनी बारीकियां आप लोगों तक, आपके जहन तक जाएं और आप लोग समझ पाएं और अपने केसेस में अप्लाई करें। हाल ही में एक मैटर हमारे यहाँ इटावा में हुआ, उसमें मेरे जो एक दोस्त हैं उनकी फैमिली ने बहुत बड़ा चढ़ा के दहेज वहेज का लिखा, मार बवाल, बहुत सारी चीजें हुई। बड़े परेशान थे, मेरे घर पे गिरे आके, मेरे से बातचीत हुई, मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखे उनके कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स लिखता हूं ना, जो भी कोई जैसे परिवाद बनाया, कुछ भी बनाया, तो पहले वकील लोग तैयार नहीं होते उसको करने के लिए, लेकिन जब वो एडमिट हो जाती है ना चीज, तो उनको लगता है कि यार वास्तव में यार नया सीखने के लिए है। हम नया नहीं कर रहे हैं कुछ, हम कानूनी दायरे में कर रहे हैं, जो कानून में लिखा हुआ है उसी दायरे में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सारी चीजें मैकेनिकल वे में चलती हैं। तो वो भाई साहब जब हमारे पास से गए, तो उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, तो उन्होंने कहा यार ऐसे भी होता है क्या, ऐसे भी होता है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। इफ एंड बट चलता रहा चलता रहा, कोई एक वकील साहब उनको मिल गए, उनको बात समझ में आ गई कि यार बंदा तो कानूनी दायरे में बात कर रहा है, कानून के तहत ही बात कर रहा है, हम कुछ अलग हटके कोई बात नहीं कर रहे, ना कोई अलग भाषा बोल रहे। उन्होंने तुरंत किया, तुरंत एडमिट कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में एडमिट होने के बाद में तुरंत समन जारी हो गए। जब समन जारी हो गए, तब तक उनका 498A में ट्रायल चलने लगा। अब जब ट्रायल चलने लगा, तो आगे की अब हमारी रणनीति क्या है, उनको कैसे आरोपी बनाया जाए। वहां तो वो आरोपी बन गए, लेकिन यहाँ पे आप कैसे आरोपी बनाया जाए, किन किन लोगों को बुलाया जाए। तो इसलिए आप लोग अगर मेरी कोई मदद चाहते हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हम आपको बताते रहेंगे इस चैनल के मार्फत, ताकि कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने आप लोगों के लिए मेहनत नहीं की है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मेरे व्यक्तिगत जीवन में विविधताएं आई, जिस तरीके से मैं अपने जीवन में रोया, आज कंगाल हो गया और आप लोगों से मदद मांगता रहता हूं, उस तरीके से किसी दूसरे के साथ में ना हो। ये मेरा पर्सनल इंटेंशन नहीं है, ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को बचाया जाए। और मैं कहा सुनी वाली बातों पे, लोगों के भड़काऊ बातों पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो मैं किसी एनजीओ का सदस्य हूँ और ना ही मुझे पुरुष आयोग वगैरह के चक्कर में पड़ना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी लड़ाई अगर जीती जा सकती है तो कोर्ट में जीती जा सकती है, क्योंकि आपकी लड़ाई कोर्ट में चल रही है और आप कोर्ट में ही अपनी बात जब तक तरीके से नहीं कहेंगे, जब तक आप अपने वकील की मदद नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। और ये वकील भाइयों की ही देन है जो आज मैं आप लोगों के सामने खुल के बोल पा रहा हूँ।